Today we are going to start our second lesson, that is the wise pigeon. Here the word wise means buddhiman ya intelligent. Pigeon means kabutar. So in this chapter we will study a story of an intelligent pigeon. There lived a pigeon in a mango tree. एक बार की बात है, एक कबूतर या पिजियन मैंगो ट्री पर रहता था. द पिजियन्स फैमिली कंसिस्टेड ऑफ हिज वाइफ एंड टू ब्यूटीफुल चिल्ड्रन. कंसिस्टेड मीन्स इंक्लूडेड, मतलब पिजियन की फैमिली में उसकी वाइफ और उसके दो ब्यूटीफुल चिल्ड्रंस थे. The wings of the children had not yet grown, hence they were not able to fly. Wings means feather. मतलब जो पिजियन के बच्चे थे या चिल्ड्रंस थे, उनके विंग्स अभी तक ग्रो नहीं हो पाए थे, इसलिए वो अभी उड़ नहीं पाते थे. Every morning the pigeon and his wife used to set out in search of food. Here the word set out means leaving या जाना. हर सुबह पिजियन और उसकी वाइफ फूड के लिए जाते थे या फूड लेने के लिए जाते थे. They used to return before the fall of night. Return means coming back या वापस आना, और वो रात होने के पहले आ जाते थे. द चिल्ड्रन वर हैप्पी टू सी देयर पेरेंट्स बैक होम. और जो चिल्ड्रंस थे वो अपने पेरेंट्स को वापस आता हुआ देखकर बहुत खुश होते थे या हैप्पी होते थे. ऑन द सेम मैंगो ट्री देयर ऑल्सो लिव्ड अ मंकी नेम्ड कालू. उसी सेम मैंगो ट्री पर एक मंकी भी रहता था जिसका नाम था कालू. ही कंसीडर्ड हिमसेल्फ टू बी वेरी पावरफुल. कंसीडर्ड मीन्स मानना. वो अपने आप को सबसे ज़्यादा पावरफुल मानता था. एंड ऑफन टुक अ फाइट विद द बर्ड्स ऑन पैटी इश्यूज. ऑफन मीन्स बार बार. पैटी मीन्स स्मॉल, मतलब वो बर्ड से बार बार छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करता था. ऑल द बर्ड्स ऑन द ट्री वर अफ्रेड ऑफ द मंकी. हियर अफ्रेड मीन्स डरी हुई, मतलब सारी बर्ड्स मंकी से डरी हुई थीं. दे वर इन फैक्ट सिक ऑफ हिम. वो उससे बहुत दुखी भी थीं. But none of them could dare to object. Here the word dare means risk. मतलब उनमें से कोई भी risk या इतनी हिम्मत नहीं कर पाती थी कि वो उसको किसी बात के लिए मना करें. One day Kalu proudly said to the bird. Proudly means attitude में. एक दिन कालू ने बहुत ही ज़्यादा proud में bird से कहा, I am most powerful amongst you. मैं तुम सब में सबसे ज़्यादा powerful हूँ. Thus you have to pay me regards every time you pass my way. तो तुम लोग जब भी मेरे रास्ते से निकलोगे, तुम्हें मुझे regards या respect देनी होगी. The pigeon who did not like the monkey's haughtiness. Haughtiness means proud. पिजियन को मंकी की हॉटीनेस अच्छी नहीं लगी. सेड ब्रदर कालू इट इज़ नॉट वाइज टू बोस्ट. बोस्ट मीन्स टॉक विथ टू मच प्राइड, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्राइड या गर्व से बात करना या अपनी ही तारीफ खुद करना. तो पिजियन ने उससे कहा, ब्रदर कालू ये अच्छी बात नहीं है. यू विल गेट रिस्पेक्ट इफ़ यू हैव बिहेव पोलाइटली.
तुम्हें रिस्पेक्ट मिलेगी अगर तुम सबसे अच्छे से पोलाइटली व्यवहार बिहेव करोगे। द मंकी बिकेम फ्यूरियस एट द सिचुएशन। फ्यूरियस मीन्स गुस्सा। तो मंकी को उसकी बात को सुनकर बहुत गुस्सा आया। सजेशन मीन्स उसने जो एडवाइस दी उस पर बहुत गुस्सा आया। द नेक्स्ट इवनिंग द पिजन रिटर्न्ड होम एंड फाउंड हिज नेस्ट। और दूसरी रात को पिजन अपने घर गया और उसने देखा कि उसका जो नेस्ट था टोटली डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉयड मीन्स डैमेज या ख़राब हो जाना। उसने देखा कि उसका जो नेस्ट था वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है या ख़राब हो चुका है। ही वॉज शॉक्ड टू सी हिज चिल्ड्रन लाइंग अनकॉन्शियस। शॉक्ड मीन्स हैरान हो जाना या चौंक जाना। अनकॉन्शियस मीन्स सेंसलेस, मतलब बेहोश। तो वो हैरान हो गया जब उसने अपने बच्चों को ज़मीन पर बेहोश पड़े हुए देखा। इमीडिएटली द पिजन लर्न्ड हु हैड डन ऑल दैट। इमीडिएटली मीन्स तुरंत या इंस्टेंटली पिजन को पता चल गया कि ये सब किसने किया है। ही क्वाइटली स्टार्टेड बिल्डिंग हिज नेस्ट ऑल ओवर अगेन। क्वाइटली मीन्स साइलेंटली या चुपचाप। उसने अपना नेस्ट बिल्डिंग मीन्स बनाना फिर से स्टार्ट कर दिया। बाय डाउन द पिजन लीविंग हिज चिल्ड्रन अंडर द केयर ऑफ हिज वाइफ एंड लेफ्ट होम फॉर फूड। डाउन मीन्स व्हेन लाइट फर्स्ट अपीयर्स इन द स्काई, मतलब जब सूरज की पहली किरण आती है उसे बोलते हैं डाउन। तो सुबह सुबह वो अपनी वाइफ के पास अपने बच्चों को छोड़कर फूड लेने के लिए चला गया। बाय द इवनिंग द पिजन रिटर्न्ड होम। रिटर्न मीन्स वापस आना। तो शाम को पिजन वापस आ गया। ही केम टू नो दैट द मंकी हैड बीन लाइंग ऑन द ब्रांच ऑफ द मैंगो ट्री। लाइंग मीन्स लेटना या फिर उस पर रेस्ट करना या सिट करना। तो उसने देखा कि जो मंकी है वो उस पेड़ की ब्रांच पर ही बैठा हुआ है। एंड वॉज मोर्निंग। मोर्निंग मीन्स सैड। अ लॉन्ग डीप साउंड शोइंग सफरिंग, मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से रोना दर्द के कारण। इन पेन द होल डे, पूरे दिन से वो दर्द के कारण रो रहा था। नन ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम मैंगो ट्री वेंट टू हिम टू इंक्वायर अबाउट हिज हेल्थ। और कोई भी वर्ड मैंगो ट्री की उसके पास नहीं गए इंक्वायर करने, मतलब पूछने उसकी हेल्थ के बारे में कि वो क्यों रो रहा है। द पिजन्स वाइफ सैड। पिजन की वाइफ ने सैड मतलब कहा, इट्स रियली गुड, ये तो बहुत अच्छा हुआ। दिस विग्ड मंकी डिजर्व सच अ पनिशमेंट। विग्ड मीन्स मोरली बैड या फिर नटखट। पनिशमेंट मीन्स सजा। तो उसकी वाइफ ने कहा कि इस शैतान मंकी को तो ऐसी ही पनिशमेंट मिलना चाहिए। टुडे ही विल रियलाइज वॉट हैपन्स इफ वी ट्रबल अदर्स। ट्रबल मीन्स डिफ़िकल्टी या किसी को परेशान करना। तो आज उसे रियलाइज़ होगा, मतलब समझ में आएगा कि अगर हम किसी को परेशान करते हैं तो हमें कैसा फील होता है या उसे कैसा फील होता है। द पिजन सैड। पिजन ने कहा, यू शुड नॉट टॉक लाइक दिस, तुम्हें इस तरह बात नहीं करना चाहिए। द मंकी इज बैड बट नाउ ही इज़ इन ट्रबल एंड वी शुड हेल्प हिम। द मंकी इज बैड मीन्स भले ही मंकी बुरा है बट अभी वो परेशानी में है तो हमें उसकी हेल्प करना चाहिए। द पिजन इमीडिएटली वेंट टू द मंकी। इमीडिएटली मीन्स इंस्टेंटली या फास्टली या तुरंत। जो पिजन था वो मंकी के पास गया। ही आस्क्ड हिम वाई आर यू मोर्निंग ब्रदर। मोर्निंग मीन्स रोना। और वो उसने उसके पास जाकर पूछा,
तुम क्यों रो रहे हो ब्रदर? द मंकी वॉज मूव्ड बाय द कंसर्न एक्सप्रेस्ड बाय द पिजियन. कंसर्न मीन्स केयर फॉर समथिंग, किसी चीज़ की केयर करना. तो जो मंकी था वहाँ से हटकर दूसरी प्लेस पे चला गया जब पिजियन ने उसकी केयर के बारे में पूछा या उसकी केयर की. ही फेल्ट अशेम्ड ऑफ हिज बिहेवियर. बिहेवियर मीन्स कंडक्ट, मतलब आपने कैसा व्यवहार किया है. अशेम्ड मीन्स बुरा लगना, उसे अपना व्यवहार पर बहुत बुरा लगा. द मंकी रिप्लाइड आई हैव अ थॉर्न इन माई लेग. मंकी ने रिप्लाई किया कि मेरे पैर में कांटा चुभा हुआ है. थॉर्न मीन्स कांटा. एंड इट पेन्स बैडली, और वो बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा है. द पिजन पुल्ड आउट द थॉर्न फ्रॉम हिज लेग, और पिजन ने उसके पैर से कांटा निकाला. द मंकी फेल्ट इंस्टेंट रिलीफ, और मंकी को इंस्टेंट मतलब तभी रिलीफ मिल गया. वंस द थॉर्न वॉज रिमूव्ड, जैसे ही उसके पैर से कांटा निकला. एंड ही वेंट ऑफ टू स्लीप, और वो सोने के लिए चला गया. द नेक्स्ट डे ऑल द बर्ड्स ऑफ द ट्री वर प्लीजेंटली सरप्राइज्ड टू सी द सडन चेंज इन द मंकीज बिहेवियर. सडन मतलब अनएक्सपेक्टेड. दूसरे दिन सारी बर्ड्स बहुत प्लीजेंटली सरप्राइज, मतलब खुशी से सरप्राइज हो गई जब उन्होंने मंकी में सडन मतलब अचानक से उसके बिहेवियर में, उसके नेचर में जो चेंज आया उसे देखकर सब शॉक्ड हो गए. दे सॉ द मंकी मीटिंग एंड चैटरिंग नाइसली. चैटरिंग मीन्स रविश और टॉकिंग टू मच. तो उन्होंने देखा कि मंकी सबसे अच्छे से बात कर रहा है, nicely with the birds, और birds के साथ भी अच्छे से बिहेव कर रहा है. So the moral of the story is we should not hurt anyone. हमें किसी को भी परेशान या hurt नहीं करना चाहिए. And should always do the friendly nature with everyone. और हमें सबके साथ friendly nature या friendly nature से behave करना चाहिए.